पूरे बिहार में मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना नल जल के तहत प्रत्येक घरों में नल लगाया गया था, जिससे जल की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों को पेयजल की किल्लत ना हो। परंतु बिहार के समस्तीपुर जिला में अभी भी कई वार्डों में ग्रामीण जल की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला समस्तीपुर जिला के सिंधिया नगर पंचायत के लगभग कई वार्डों में देखा गया है, जहां आम ग्रामीण पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। हम आपको बता दें कि इतनी भीषण गर्मी में पानी का लेयर काफी नीचे जाने की वजह से ठीक ढंग से ट्यूबवेल आदि का भी पानी का लेकर लेयर काफी नीचे चला गया, और इस स्थिति में प्रत्येक वार्डों में जो बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय योजना के तहत जल मीनार बनाया गया है, उससे भी पेयजल की व्यवस्था आम ग्रामीणों को नहीं हो रही है, जिससे आम ग्रामीण त्रस्त है। और कहीं कहीं जल मीनार से पेयजल की व्यवस्था होती भी है तो पाइप ही रास्ते में फूटा रहता है, जिससे वो पानी बर्बाद हो जाता है। पेयजल की समस्या पर यहाँ के आम ग्रामीणों से बात करने पर उनके द्वारा क्या नाराजगी जताई गई है, ये आप आम ग्रामीणों से ही सुने। तब से तो और दिक्कत हो रही है यहाँ पे, का जो कार्यपालक पदाधिकारी है कब आते हैं जाते हैं कोई ठिकाना नहीं रहता है, लोग से मिलते नहीं है, लोग से बात नहीं करते हैं, अपना 5 आदमी का गुट बनाए हुए हैं उन्हीं से रहता है, लेकिन जनता से उनका कोई लगाव नहीं है। वार्ड पार्षद जितना है वो त्रस्त है, मान लीजिए डिप्टी चेयरमैन है वो भी बोल रहे थे कि हम लोग से मुलाकात नहीं हो पाती है, कार्यपालक पदाधिकारी का। और जितना भी ऊंचाई क्षेत्र पर जितना भी आदमी है सबका चापाकल फेल हो गया है, नल जल का पानी नहीं आ रहा है। वीडियो साहब को बोलते हैं, वीडियो साहब बोलते ही हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, डीपीआरओ साहब से बात कीजिए कहते हैं हम कुछ कर नहीं सकते हैं, उसके बाद कार्यपालक पदाधिकारी से बात कीजिए, हम कार्यपालक पदाधिकारी से बात करते हैं इस संदर्भ में तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है, अपना बोलते हैं गाड़ी में बैठ के चल जाते हैं। अच्छा, जैसा कि आपने कहा हम वीडियो साहब को कहे या डीपीआरओ को कहे, तो डीपीआरओ हो गया पंचायती राज विभाग, और वीडियो साहब भी पंचायती राज विभाग के अंदर ही कार्य करते हैं, तो उनका तो कहना बिल्कुल सत्य है, परंतु कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा जो उनके क्षेत्र का नगर पंचायत कार्यालय उनके क्षेत्र में आता है नगर पंचायत, उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया जाता है? कार्यपालक पदाधिकारी एक लाइन में कहते हैं कि क्या करते हैं, हमको जो है चार्ज नहीं दिया गया है, आप PHED या BDO साहब से बात कीजिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात कीजिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं कि मतलब बहाना करके कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा टाल दिया जाता है। DPRO साहब कहते हैं कि नगर पंचायत बन गया, चार्ज उनके अधीन चल गया, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा भी कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको जो करना है कर लीजिए। इस संबंध में आप लोगों ने कहीं आवेदन भी दिया था? आवेदन दिए थे, क्या कहते हैं SDO साहब को आवेदन दिए थे, SDO साहब को आवेदन दिए थे, मुख्य पार्षद को दिए थे, क्या कहते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिए थे, और आज DM साहब के यहाँ जा रहे हैं आवेदन देने के लिए। मतलब आज इस संदर्भ में आपने जिला पदाधिकारी जो है योगेंद्र सिंह उनके यहाँ जा रहे हैं आप आवेदन देने के लिए? उनके यहाँ जा रहे हैं, तैयार होके आए हैं। हम लोग को भी किल्लत हो रही है पानी, हम लोग को भी नहीं मिल रहा है पानी, आप लोगों को भी नहीं मिल रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। कितने दिनों से? करीब एक दो महीना। मतलब भीषण गर्मी में ही पानी की किल्लत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रहा है। किस वार्ड से आते हैं आप? हम लोग 7 वार्ड से आते हैं। सर, इतनी भीषण गर्मी में जो पानी की किल्लत हो रही है, क्या आप लोगों को भी पानी की किल्लत हो रही है? काफ़ी ज़्यादा। कितने दिनों से? लगभग 3-4 महीनों से। मतलब मेन गर्मी के समय में ही पानी का लेयर जब नीचे चला जा रहा है तभी किल्लत हो रही है। जी। इस पर किसी के द्वारा कोई आश्वासन आप लोगों को? किसी भी तरह का आश्वासन नहीं मिला है। कॉले नहीं चलता है हम लोग का। कितने दिनों से पानी की किल्लत हो रही है? ये 2 महीना से। 2 महीना से, मतलब भीषण गर्मी में ही पानी की दिक्कत समस्या आप लोगों को आ गई। जी जी। क्या किसी के द्वारा आश्वासन भी दिया गया जो नहीं अब पानी आप लोगों को मिल जाएगा? ये जो जीत के गया नहीं कौन वार्ड कमिश्नर में, हाँ तो किशोर सिंह के कहते हैं तो कहता है आप पानी चलेगा, निरंजन मुखिया कहता है तो कहते हैं आप नल जल चलेगा, लेकिन कोई के तरफ से हम लोग का मतलब कुछ भी पानी के लिए आश्वासन नहीं दिया गया ना? नहीं, अभी तक आप लोगों को पानी की सुविधा भी नहीं मिली? नहीं मिला। इतनी भीषण गर्मी में अभी फिलहाल नल जल की समस्या काफ़ी बनी हुई है, क्या आप लोगों को भी पानी की किल्लत हो रही है? बहुत किल्लत है, किल्लत है। 1 महीना से पानी नल में आ ही नहीं रहा है एक बूंद। मतलब इतनी भीषण गर्मी में भी पानी का किल्लत आप लोगों को हो रही है, पानी कहीं से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कहीं से नहीं मिल रहा है, चापाकल भी है उसमें से भी पानी अब सूखने वाला है। इस संदर्भ में तो जो है हम लोग जब से जीत के आए हैं तब से कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से गुहार लगा रहे हैं कि सर
मेरे विश्व वार्ड में इतनी बड़ी समस्या है नल जल का, कृपया इस पर ध्यान दीजिए। तो सर बोलते हैं आज जो है बी ओ साहब से मिलते हैं, तो DPRO साहब से मिलते हैं, MO को ये करवाते हैं, कभी वो करवाते हैं, यही नहीं 7 महीना हो गया अभी, आज कल कल परसों हो रहा है। मतलब उन लोगों के द्वारा किसी न किसी तरह से बात को टाल मटोल करके साइड कर दिया जाता है। हाँ, साइड कर दिया जा रहा है, इस संदर्भ में ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। इससे तो यह प्रतीत होता है ना, यह काफी लूट खसोटी हो रहा है इसमें। अफसरशाही हो गया है जब जो है, अफसरशाही जो है। क्या आप भी यह मानते हैं जो अफसरशाही हो गया है? हाँ, हम भी मानते हैं अफसरशाही हो गया है, क्योंकि प्रतिनिधि का बात जो है अफसर सुन ही नहीं रहे हैं। और पानी की जो समस्या बन रही है, जनता परेशान हो रही है, जनता दर बदर ठोकर खा रही है। इनके पास अगर पूजी है आरओ से पानी पी रहे हैं, गरीब आदमी जो है कल से जो है पानी नहीं निकला है, चूरू में भी पानी नहीं मिला। अभी कुछ ग्रामीण जो शिकायत कर रहे थे जो नल जल की पानी हमें भी लगभग 3-4 महीना से नहीं मिल रहा है, हम आपसे पूछना चाहेंगे जो इतनी भीषण गर्मी में पानी नहीं मिल रहा है और 2-3 महीना बाद यदि उन लोगों को पानी दिया जाएगा तो उस पानी का क्या लाभ? तो उनमें जो है कार्यपालक पदाधिकारी महोदय द्वारा कहा गया कि तत्काल जो है 500,000 लीटर के पानी में जो है ड्राम में पानी लेके जहाँ की पानी की समस्या है वहाँ तक नहीं है पानी की समस्या, वहाँ पर पहुँचाया जाए। लेकिन जो है अभी वो भी निरादर रह गया, अभी तक उस पर भी विचार नहीं किया। झूठा आश्वासन दिया। हाँ, झूठा आश्वासन दे के जो है हम लोग को गुमराह किया गया।